हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए लेट्स क्रैक इट चैनल को और दबाइए उस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक इट चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो चलिए आज देख वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के प्रयोग। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और इसके कुछ प्रयोग मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहली हेडिंग देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहली हेडिंग है वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों जैसे कि कोई लेटर टाइप करना है, रिज्यूम तैयार करना है, ऐसे कार्यों को आसानी के साथ कर सकते हैं। कंप्यूटर खुद ही स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को स्वतः सुधार देता है। जैसे कि आप कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, अपना रिज्यूम बना रहे हैं, तो उसमें अगर कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर होगी, कोई इस प्रकार की गलती अगर होगी, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस गलती को खुद ही सही कर देता है। आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस पर आप कार्य कर रहे हैं उसे आप आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से यहाँ मतलब होता है आप कुछ भी लिख रहे हैं उसमें कलर चेंज करना, उसमें कोई भी स्पेशल फॉन्ट स्टाइल लगाना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, कुछ भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। अगला प्रयोग देखते हैं बैंकिंग में। तो बैंकिंग में कंप्यूटर का क्या प्रयोग होता है, बैंक में वर्तमान समय में नेट बैंकिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया है। ज़्यादातर लोग अपना बैंकिंग कार्य नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से धनराशि को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंकों में होने वाले दैनिक कार्य लेन देन कंप्यूटर के सहायता से ही किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर कार्य हमारा कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, उन्हीं में से एक है बैंकिंग में। देखिए, बैंक में आप जाते हैं तो हर एम्प्लॉय के पास आपको एक कंप्यूटर रखा मिलेगा और सारा काम उसी कंप्यूटर से होता है। नेट बैंकिंग की हम लोग बात करें तो इसमें आप घर बैठे ही अपने खाते से पैसे डाल सकते हैं, मंगवा सकते हैं या कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। अगला प्रयोग देखते हैं इंटरनेट, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेट के माध्यम से आप कंप्यूटर को भारत तथा विश्व के किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने की एक ग्लोबल सिस्टम है। इसका आरंभ 1970 और 1980 के दशक में हुआ था। इंटरनेट के माध्यम से आप लाइब्रेरी की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जिसकी भी हमें आवश्यकता है हम लोग वो चीज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और भारत में तथा विश्व में किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो अगला प्रयोग देखते हैं हॉस्पिटल्स में। अस्पताल में कंप्यूटर के माध्यम से ही मरीजों के रिकॉर्ड्स की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि मरीज का नाम, बीमारी और बहुत सारी चीज़ें। एक क्लिक करने पर मरीज की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखा होगा हॉस्पिटल में जो रिसेप्शन बने होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर रखा होता है और जैसे ही आप मरीज का नाम बताते हैं उसमें उस मरीज की सारी इन्फॉर्मेशन सो होने लगती है। अगला देखते हैं डिजिटल वीडियो या ऑडियो कंपोजिशन। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के ऑडियो या वीडियो को कंपोज और एडिट कर सकते हैं। आप ऐसी एक्शन फिल्मों में विशेष प्रभाव तथा विज्ञान कथा डाल सकते हैं जो कंप्यूटर के उपयोग करके बनाई जाती हैं। जैसा कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं एनिमेशन डाले जाते हैं, तो वो भी कंप्यूटर की मदद से ही डाले जाते हैं। ऑडियो और वीडियो को भी इसमें कंपोज किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और एडिट करके उसमें कोई भी स्पेशल इफेक्ट
डाला जा सकता है। अगला प्रयोग देखते हैं कम्युनिकेशन। आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल आदि से परिचित होंगे क्योंकि सभी लोग आज के दौर में करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और पूरे विश्व में भी आप किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं। अगला देखते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सभी के लिए बहुत ही उपयोगी पैकेज है। इसके माध्यम से आप डिजाइनिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में इसके माध्यम से किताबों की डिजाइन, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, ब्रोशर, मैगजीन इत्यादि संबंधित कार्य किए जाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आप कोई भी डिजाइन को तैयार कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन हो आपका आप उसे खुद ही बना सकते हैं। अगला देखते हैं टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है जिसमें कस्टमर का डिटेल इत्यादि मौजूद रहता है। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप किसी भी स्थान का लोकेशन तथा वहां तक पहुंचने का मार्ग देख सकते हैं। आप हवाई रेल टिकट को मोबाइल फ़ोन के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। आप SMS भेजकर रेलवे टिकट के PNR की स्थिति जान सकते हैं। आप अपने फ़ोन से ही काफ़ी सारी इसके सिस्टम यूज कर सकते हैं और फ़ायदा इसका उठा सकते हैं, जैसे कि हवाई और रेल की टिकट की बुकिंग हो या फिर आपको SMS भेजकर रेलवे टिकट की PNR की स्थिति भी जान सकते हैं। तो ये हो गया टेली कम्युनिकेशन का यूज। और अगला देखते हैं उपयुक्त के अलावा, जितने मैंने आपको बताए हैं इसके अलावा आप कंप्यूटर का उपयोग रक्षा, ई लर्निंग, चिकित्सीय विज्ञान, खेल, प्रमाण पत्र, ATM मशीन, रोबोट, समाचार, मौसम विश्लेषण इत्यादि में भी किया जा रहा है। हमारे आसपास जिस प्रकार भी कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो सभी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से कंप्यूटर का हमारे आसपास प्रयोग किया जा रहा है और सब वो सब हम लोग बता सकते हैं। तो जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग लिख सकते हैं। कभी भी बात आती है कंप्यूटर के यूज की तो हमें पता होता है बहुत कुछ, लेकिन हम लोग उसे अपने शब्दों में नहीं बता पाते हैं। तो ये थ्योरी आप लिख सकते हैं, अन्यथा कंप्यूटर का यूज कोई आपसे पूछता है तो आप उसे अपनी भाषा में भी बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर कर दीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन बन के आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।